मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा अपने 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के दोस्तों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी चर्चा 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के दोस्तों के ऊपर हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूं कि 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के मेरे सभी दोस्तों के बौद्धिक स्तर की, तो दोस्तों या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के होते हैं, जी हाँ दोस्तों अति धार्मिक स्वभाव के, या इसके विपरीत बिल्कुल नास्तिक स्वभाव के। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों को मैं दो वर्गों में बांटूंगा जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 दिसंबर को हुआ है। वो या तो बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव के होंगे या बिल्कुल नास्तिक स्वभाव के होते हैं मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्त। और दूसरी बात मैं बताऊं इनके बारे में, जीवन में कोई भी कार्य को अपनाएं, उन सभी कार्यों में ये सफल होते ही होते हैं। जी हाँ, इनमें कुछ नेतापन सा गुण बहुत ज़्यादा होता है। यदि ये राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक जीवन में कदम रखते हैं तो वहाँ ये आम तौर पर पुरस्कार, सम्मान और बहुत ऊंचे पदों पर बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं, और राजनीति में इन्हें सफलता बहुत सुंदर तरीके से मिलती है। इसके अलावा बड़े बड़े ठेकेदारों का काम, जहाँ पर निर्माण का काम हो, ऐसे कामों में भी ये बहुत सुंदर पदों को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, काफ़ी ऊंचाइयों तक ऐसे मेरे दोस्त पहुंचते हैं। इनमें बहुत सुंदर संगठन क्षमता होती है मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों में। बहुत सुंदर से गुणों के ये मालिक होते हैं मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्त। सामाजिक क्षेत्रों में और सरकारी क्षेत्रों में जहाँ भी ये कहीं कार्य करते हैं, वहाँ इन्हें भरपूर इज्जत, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें हर क्षेत्र में कार्य में सफलता और इज्जत, मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है भरपूर मात्रा में मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों को। और जीवन में किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, सफलता इन्हें निश्चित तौर पर मिलती ही मिलती है मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों को। मेरे इन दोस्तों में इतनी उच्च स्तर की मानसिक और बौद्धिक क्षमता होती है कि बड़े बड़े मैगजीनों के या पेपर, न्यूज़पेपर में या जहाँ पर राइटिंग का काम है, वहाँ पर ये बहुत उच्च पद पर आसीन होते हैं, और ये कलम की शक्ति को पर इनका भरपूर विश्वास होता है। जी हाँ, मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों को कलम की शक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, और ये अपने विचारों के प्रचार के रूप में भी ये अपने पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते रहते हैं। ये मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों में ऐसी सुंदर सी खासियत होती है, बहुत सारे गुणों के होते हुए भी। थोड़ी सी चेतावनी मैं इन्हें देने लगा हूँ, मैं अपने 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों को, कि शानदार प्रतिभा के मालिक होने के बावजूद बुढ़ापे के लिए ये अपनी धन संपदा को बचा रखने में सक्षम नहीं होते मेरे 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोशिश इन्हें बहुत करनी है और अपना प्रयास करना है, और इस ओर इन्हें बहुत जिम्मेवारी से सोचना है, और इस पर इन्हें कार्य करना है कि अपनी ओल्ड एज को सुरक्षित रखने के लिए, बुढ़ापे को सुंदर बनाने के लिए इन्हें अपने धन का संचय ओल्ड एज के लिए अवश्य करना है, अन्यथा बुढ़ापा इनका बहुत ज़्यादा, उस उम्र में इन्हें प्रॉब्लम आने वाली होती है जिसके ऊपर मैंने अभी इशारा किया। दोस्तों, चर्चा में आपके आर्थिक स्थिति की करूं तो जैसा कि मैंने अभी आपको इशारा किया कि
पैसा आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा आप जीवन में भरपूर इज्जत मान धन दौलत सभी कमा लेते हैं, लेकिन फिर चर्चा में वही करूँगा कि अपने ओल्ड एज के लिए आप अपने धन को सुरक्षित रखने के प्रति पूरी तरह कार्य करें और ऐसे सरकारी बॉन्डों में अपने पैसे को निवेश करें जहां आपका धन सुरक्षित रहे और बुढ़ापे में आपके काम आ सके। जी हां दोस्तों, 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के दोस्तों के लिए ये मेरी खास हिदायत है कि वो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए अपने धन को बुढ़ापे के लिए ज़रूर बचाएं, अन्यथा उनका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा धन के अभाव में मुश्किल में व्यतीत हो सकता है। इसकी मेरी पूर्व चेतावनी आप 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों को है। इस ओर आपने कार्य जरूर करना है सभी मेरे दोस्तों ने जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 दिसंबर को हुआ है। चर्चा में करूँ आपके हेल्थ की, तो दोस्तों आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी नहीं आने वाली। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन आप अपनी 55 और 60 वर्ष की आयु तक स्वस्थ रह सकते हैं और उसके बाद आपके बीमारियों के घेरने की संभावना पूरी हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा अपने स्नायुमंडल से काम लेने वाले मेरे दोस्त, तो आपको स्नायुमंडल के टूटने की संभावना और रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का पैरालाइज होने की संभावना रहती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अपने जीवन में आराम को भी पूरा स्थान दें। जी हाँ दोस्तों, आराम को अपने जीवन में पर्याप्त स्थान दें ताकि आपका जो बुढ़ापा है वो बगैर किसी रोग के कट जाए। जिस तरह आपकी पूरी जवानी बीतती है, इतनी सुंदर काया परमात्मा ने आपको दे रखी है, इस काया की संभाल आपने अच्छी तरह से करनी है। अपने जीवन में आपने गायत्री मंत्र को सभी आपने 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के मेरे दोस्तों ने स्थान देना है और प्रातः कम से कम 1 घंटा गायत्री मंत्र का आपने जाप करना है, तो आपका जीवन पूरा जीवन सुंदर बन जाता है और आपके जीवन में सफलता उतनी ही ज़्यादा आसानी से मिलती है। आगे मैं चर्चा करूं कि आपके लिए वो कौन से सुंदर कलर हैं जिनको यदि आपने अपने जीवन में स्थान दिया तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, तो मैं अपने 3, 12, 21 और 30 दिसंबर के सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में सबसे अधिक जामनी और बैंगनी रंग के वस्त्रों को स्थान दें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में जामनी या बैंगनी रंग के वस्त्रों को अधिक से अधिक स्थान दिया तो आपका जीवन बहुत बहुत सुंदर बन जाता है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।